आज हम जमात तीसरी का ही 29वां पाठ लिहू या वासुया ये सीखने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से, आप तमाम ही से मौद्यमानों गुजारिश करता हूं कि इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक है। ये स्वर है 14 खड़ी है, जिसे यहां पर बहुत अच्छे आसान तरीके से बताया गया है। इसमें दो स्वर जो है या और वा, ये नए ऐड हुए हैं ताकि इंग्लिश के ज्यादातर अल्फाज लिखने में आसानी हो, जैसे वॉकर, वॉच, डॉक्टर, गैस, इस तरह के अल्फाज मराठी में लिखने के लिए दो स्वर का इसमें बढ़ाया गया है, इजाफा किया गया है। तो और इसे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप कि आगे वाली जमात में आपको तकलीफ ना हो। ये बेसिक है, मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे ध्यान से एकदम समझकर आप इसे पढ़िए, समझिए। आइए शुरू करते हैं 29वां पाठ लिहू या वासुया।